ये मेरे पीछे जो आप होटल देख रहे हैं इसमें एक कमरे की जो प्राइस है पर नाइट वो 1,00,000 रुपए के आसपास है और मैं इस होटल में ठहरा हूँ। आए आपको ये होटल दिखाते हैं। थैंक यू। तो जनाब ये तो रूम है, काफ़ी खुला रूम है, बहुत बड़ा रूम है ये और मुझे पसंद आया ये। आप मेरा जो पिछला न्यूयॉर्क वाला कमरा था अगर आप वो देखेंगे तो वो न्यूयॉर्क वाला कमरा बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बट ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला है। मैंने ऑलरेडी चेक इन किया हुआ है तो आपको मेरा सामान यहाँ पर पड़ा नज़र आएगा। व्यू कुछ ख़ास नहीं है, पीछे एक बिल्डिंग है, पार्किंग है, बैक साइड है वो नज़र आती है यहाँ से, उसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास व्यू नहीं है। ऐसे भी वाशिंगटन के अंदर जो इमारतें हैं वो जो है वो इतनी बड़ी नहीं हैं, स्काई स्क्रेपर्स नहीं मिलते आपको। खैर आपको कमरा दिखा देता हूँ मैं। दिस इज़ द बेड जो कि इट्स अ गुड बेड। ये कमरा है, बेड है, लाइट्स। मुझे इस कमरे की सबसे अच्छी बात लगी है कि यहाँ पर लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको एक लैम्प यहाँ पर मिलेगा, एक लैम्प फिर वहाँ है, फिर एक और लैम्प है, एक और लैंप, एक और लैंप, एक ये दो लाइट्स हैं, फिर ऊपर एक और लाइट है। सो लाइट काफ़ी अच्छी हैं, इट्स अ वेल लिट रूम। खैर बाहर से भी आती है जो है वो रोशनी। तो फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ की बात कर लें तो वर्क स्टेशन है यहाँ पर, वर्क स्टेशन काफ़ी कंफर्टेबल वर्क स्टेशन है। सॉरी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी के लिए सामान है यहाँ पर। पानी वगैरह आपको दिया जाता है जो कि बहुत कम आपको यूएस के होटल्स में दिया जाता है, टैप वाटर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। टीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इनकी टीवी ऑफरिंग, फुटबॉल मैचेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं यहाँ के ऊपर, सब कोई फ़ायदा नहीं है टीवी का, इतने पैसे ले रहे हैं फिर भी कोई नहीं है। दैट्स द मिरर, काफ़ी बड़ा मिरर है ये। यस, तो ये क्लोज़ेट, दिस इज़ द क्लोज़ेट। बाथरूम है, मैंने भी अभी तक जितने भी US होटल्स के अंदर स्टे किया ये पहला होटल है जहाँ पर मुझे बाथरूम नज़र आया है। गैस अगर आप 1,00,000 रुपये ले रहे हैं तो ये नई चीज़ें तो होंगी। आयरनिंग बोर्ड है, आयरन है, सेफ है, ये कुछ DC के लॉज लिखे हुए हैं यहाँ पे, होटल कीपर्स और इनकीपर के लिए जो कवानीन हैं वो क्या हैं। अच्छा ड्राई क्लीनिंग का मैं आपको पैसे बता दूं, लॉन्ड्री सिर्फ एक शर्ट तो उसके आपसे जो है वो $14 लिए जाएंगे। $14 का मतलब हुआ ये कि तकरीबन 4,000 रुपया एक शर्ट को धोने का, बहुत एक्सपेंसिव है। तो खैर ये तो क्लोज़ेट है और क्या देखना चाहिए इस रूम के अंदर। ड्रॉअर वगैरह में क्या है, ये वाइन के लिए सामान मौजूद है। What else? ड्रॉअर खाली होंगे आई एम श्योर। ये फ्रिज है, फ्रिज खाली था बट बाय द वे यहाँ पर आपका जो क्रेडिट है वो $10 का, आप जो है वो डेली क्रेडिट इन्होंने मुझे दिया है कि आप $10 की चीज़ें आप रोज़ खा सकते हैं यहाँ से मिनी बार से लेके। सो वो है। वर्क स्टेशन मैंने आपको दिखा दिया, रूम टेम्परेचर ठीक है, बेड जैसे आम होटल का इट्स कम्फर्टेबल। जो एस्थेटिक्स हैं इस रूम के वो काफ़ी अच्छे हैं, ये ब्लू वॉल है और साथ ही दो पेंटिंग्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी फील है कमरे की, पीसफुल कमरा है। वॉशरूम आपको दिखाता हूँ, सो ये वॉशरूम है, एक एवरेज साइज का वॉशरूम है ये, बट अच्छा वॉशरूम है। शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश और अमेनिटीज़ के अंदर जो ये प्रोवाइड करते हैं माउथ वॉश के लिए है, टॉवल्स हैं जो है वो हैंड टॉवल, फेस टॉवल है और टॉवल्स हैं, जो वैनिटी है और ये बेसिन है, काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये, इट्स वेरी फंक्शनल। और या और क्या होना चाहिए, येस दिस प्लेस, अगर आपको अपने चेहरे को बड़ा करके देखना है, आपको शेव वगैरह करनी है या कुछ और ऐसा करना है तो अच्छा है। लाइटिंग अच्छी है वॉशरूम के अंदर, हेयर ड्रायर आपको प्रोवाइड करते हैं ये।
होटल के अंदर स्विमिंग पूल भी है, आपको साइकिल अवेलेबल है, अगर आपने साइकिलिंग करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट साइकिल अवेलेबल है, आप बाहर निकल जाए साइकिल लेके और आप घूमें फिरें। इस होटल की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर आपको 5 से 6 के दरमियान शाम के हैप्पी आवर होता है, जिसके अंदर आपको फ्री अल्कोहल में फ्री शराब मिलती है। जो चीज़ें नहीं हैं, जो मुझे सबसे बुरी चीज़ यहाँ की लगी, जो मुझे था कि यार अगर 1 लाख रुपये आप ले रहे हैं तकरीबन $350, $320-$330 का ये बनता है, तो आपको कम से कम यार एक सोफ़ा तो दे दें, काउच तो दे दें आप एटलीस्ट, जिस पर बंदा बैठ के आराम से टीवी देख सके। अगर आपने टीवी देखना है या तो आप बेड के ऊपर बैठेंगे, या आपके पास ये एक जो है वो वर्क स्टेशन वाली चेयर है विच इज़ नॉट दैट कम्फर्टेबल। अगर आपको लैपटॉप पर बैठ के काम करना है तो ठीक है, बट टीवी देखने के लिए बंदे को रिलैक्स करना होता है, तो वो अवेलेबल नहीं है और कुछ ख़ास नहीं है बताने के लिए। तो अगले शहर में मैं मायामी जा रहा हूँ, मैं फ्राइडे को जाऊँगा 3-4 दिन के बाद, तो वहाँ पर मैं जिस होटल में स्टे करूँगा उसकी भी मैं आपको शेयर करूँगा। वो होटल जो है वो बिल्कुल बीच के ऊपर है, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट प्लेस। खैर तब तक के लिए तो नहीं, आपके लिए और वाशिंगटन से फूड वीडियोज़ भी आएंगी, बट फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।